हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कुछ आम की सभा के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और अभी देखो, हमने सोचा जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं और आपको जो हमने रिजा को ड्रेसेस दिलाई थी वो भी दिखाना थी। परसों रिजा का बर्थडे है तो हमने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करें, फिर आगे बर्थडे के व्लॉग आएंगे तो वो भी आप देखेंगे। काफी और दूसरे काम है, ऊपर भी जाना है, भाभी के साथ देखना है कि फाइनल करना है कि कौन सा कलर कराना है, वो सारे डिस्कशन ऊपर जाके करेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो। और आपको पता है मेरे नए शूज खराब हो गए थे और आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि थिनर से निकल जाएगा, तो मैं लिया, निकलेगा वो भी। ये लेकिन ये अंदर तक कैसे होगा? ईयरबड। अरे वाह, होशियार हो रहा है, पूरा पिंक पिंक हुआ जा रहा है। ये तो निकल के धुल जाएगा ना, तो मैं अच्छा लगता है नेल पेंट रिमूवर की खुशबू। फ्रेंड्स, काफी लोगों को अच्छी लगती है, ये अंदर से काले निकल रहे हैं। शूज तो जो है वो साफ हो गए, थोड़े बहुत काम चलाने के लिए ठीक है, उसी शू लेस ले लेंगे क्योंकि लेस जो है इसका वो नहीं जाएगा। तो शुरू हो जाओ वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स, एक ये ड्रेस है, ये मतलब मिडी टाइप की है, बहुत लॉन्ग भी नहीं है और बहुत शॉर्ट भी नहीं है, तो ये बिना लेगिंग्स के ऐसे ही पहन सकती है। कलर्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, आपने देखा होगा ठाकुर मॉल से लिया था, सेंट्रल से लिया था, वहाँ पे कौन सा ब्रांड है रिजा? ये जूनीपर। इसका जो मटेरियल है वो सिंथेटिक और इसकी डिटेलिंग देखिए, बीच में यहाँ पे लेसेस से बनाया है। मटेरियल जो इसका वो शिफॉन टाइप का है, थोड़ी शॉर्ट है ड्रेस तो ये लेगिंग्स में पहन सकती है, लेकिन बहुत क्यूट लग रही थी। रिजा को ऐसे पसंद है ना? हाँ, इस टाइप का ज्यादा अच्छा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे फ्रिल लगे हुए है, यहाँ पे ना इलास्टिक है। ऐसा कलर अभी तक इसने पहना नहीं था, तो मुझे एक ऐसे घर के लिए या एक दो बार बाहर भी पहन सकती है ना रिजा, एक बार व्हाइट शूज में बहुत प्यारा लगेगा। मिंत्रा से मंगाई थी, जैसे रिजा को पसंद है कंफर्टेबल वैसे ही है सॉफ्ट। और ये बहुत ही क्यूट है और आई एम श्योर ये रिजा को भी बहुत ज्यादा पसंद होगी, एकदम बार्बी की तरह है। कैसी लगी रिजा ये? बहुत, ये तो अच्छी है बहुत। ये वाली ड्रेस हमने एंड से ली थी, देखिए बहुत ही प्यारी, बहुत फॉलिंग सा मटेरियल। जैसे आपको पता है कि इसको क्रिसमस बहुत पसंद है, तो इसके पास लाल सफेद हरा तो होना ही चाहिए। इस तरह दिखती है, जैसे कि क्रिसमस फैन है तो रेड भी होना चाहिए। इसके स्लीव्स थोड़े डिफरेंट है, जैसे ब्लू वाला फ्रेंड्स है ये सेम उसका ये कलर है, ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये है, ये कौन सा प्रिंट है? चीता प्रिंट है, बिल्ली प्रिंट है, जो भी है, पता नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा है या जैसा भी लग रहा है आप लोग बताइएगा। तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। एक ये जैकेट दिलाई थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारा कलर, सॉफ्ट है, अच्छी है ना, सॉफ्ट है, क्यूट लग रही है। ये तो आप देख ही चुके थे, इसका पैटर्न आप देख लीजिए इस तरह है, ये भी बहुत ही प्यार है। उम्मीद करते हैं कि आपको रिजा की सारी ड्रेसेस अच्छी लगी होंगी। बच्चों को और क्या गिफ्ट दो, समझ में नहीं आता है। और छोटी मोटी गिफ्ट तो हमने दिए थे, आपने देखा ही होगा, बॉक्स, मास्क और बाकी सारी चीजें। कुछ और अगर इंशाल्लाह मिलता है कल तक, उसके बर्थडे तक अगर मिल गया तो रिजा दिला दूंगी, वरना नहीं। लिंक चाहिए ड्रेसेस की, अगर आपको परचेज करना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आपको अच्छी लगती है तो, और कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी मैं जल्दी से रेडी होकर फोटोज क्लिक कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं करूंगी स्किन केयर, अभी अपने फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है और मैं काफी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्किन की अच्छे से ज्यादा केयर करूँ, क्योंकि हमारी स्किन हमारी केयर मांगती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इश्यूज होते रहते हैं, जैसे आप सबको भी होते होंगे, कभी एक्ने आ जाता है, कभी जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट परचेज करूँ बिना जाने समझे, उससे बेटर है कि मैं ऑनलाइन कंसल्ट कर लूँ। तो मैंने बॉडी वाइज के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे 2% सैलिसिलिक एसिड लगाना चाहिए, उससे क्या होगा कि जो एक्ने आ रहा होता है वो नहीं आएगा और हमारे स्किन में जो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा सिरम, इसके बारे में आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको ब्रांड के बारे में बताती हूँ। बॉडी वाइज एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक है विमेंस के लिए, इनके पास सारे विमेंस के जो भी इश्यूज होते हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हेयर, स्किन या फिर वेट मैनेजमेंट या फिर पीसीओएस। और प्रोडक्ट्स ही नहीं फ्रेंड्स, इनके पास डॉक्टर्स भी अवेलेबल है जो आपको फ्री ये कंसल्टेशन देंगे और वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होगी, तो घर बैठे आप अपनी सारी प्रॉब्लम बता सकते हो, उस हिसाब से वो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर देंगे। 2% सैलिसिलिक एसिड सिरम बहुत ही इफेक्टिव है एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के लिए। ये हमारे स्किन को अंदर और बाहर दोनों से एक्सफोलिएट कर देता है, क्लीन कर देता है। मुझे बॉडी वाइज के डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी बताया कि एकदम सेफ और इफेक्टिव तरीका है एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए, हमारे पोर्स को अंदर से क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, एकदम डीप पेनिट्रेट होकर जहां पे हमारे पिंपल्स बनते हैं वहां से जाके हमारी स्किन को अच्छे से साफ कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक्ने नहीं आते, साथ साथ ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी नहीं आते। एक्ने की वजह से ना रेडनेस भी आ जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम इससे खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें फर्मेंटेड राइस
वाटर है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो आपके फेस पे जो भी इन्फ्लेमेशन आ रहा है उसे कम कर देगा। साथ साथ फ्रेंड्स इसमें नायासिनेमाइड भी है जो हमारे फेस पे जो एक्ने के स्पॉट्स रह जाते हैं उसे भी कम करने में हेल्प करेगा। और ये सीरम की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें अल्कोहल नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर भी एड नहीं किया है, बहुत लाइट है ये आपके स्किन पे। फ्रेंड्स मैं इसे वीक में 2-3 बार लगा लेती हूँ और इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाना है। इसकी वजह से मैंने अपनी स्किन में काफी अच्छे विजिबल रिजल्ट्स देखे हैं। जो पोर्स हैं वो काफी ज्यादा टाइट हो जाते हैं और जो ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स हो जाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। बॉडी वाइज के सारे प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट ने डेवलप किए हैं, स्किन पे काफी इफेक्टिव है। आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी। और मुझे इनकी एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जो भी इनका इंग्रेडिएंट है उन्होंने यहाँ पे देखिए पैक में ही डिस्क्लोज किया है, अपने कस्टमर से कुछ भी छुपा के नहीं रखा, तो इस तरह की जो ऑनेस्टी है वो बहुत अच्छी लगती है। आप ये 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम परचेज करना चाहते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया और आप सबके लिए एक स्पेशल सा डिस्काउंट कोड भी रखा है जिसमें आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। और आप अगर बॉडी वाइज के डर्मेटोलॉजिस्ट को कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, आपका कोई भी स्किन रिलेटेड इशू है, कोई कंसर्न है, कोई आप राय मशवरा चाहते हो, तो वहाँ पे मैंने लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपके स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट कर देंगे, तो आप जल्दी से चेक कीजिए। जो है वो क्लिक कर लिया, आप मुझे इंस्टाग्राम पे चेक करिएगा। मैंने आज बहुत अच्छा किया कि सारा काम पहले ही कर लिया, अभी जैसे नमाज पढ़नी है उसके बाद सारे काम करने हैं, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर से। तो मैं आज घर में एक इंसान कम नहीं लग रहा। रेहान तो यहीं था अभी, आओ तो नमाज पढ़ रही है, आओ तो ऊपर रहते हैं, कौन बचा? अम्मी का दुश्मन कौन था? टेडी चला गया। नहीं गया नहीं है, दे दिया यहाँ रखा, ले गई सुबह तो उसके पैर फिर पूरे ले गई, पैर के साथ लेके जाएंगे, पैर काट के लेके जाएंगे। तो देखा होगा कि मैंने अपना टैडी हटा दिया क्योंकि आपको पता है घर में ना जगह बहुत कम है और इसी रूम में ही नमाज भी पढ़ते हैं। फिर अम्मी कह रही थी कि नमाज नहीं होती अगर गलती से भी सामने आ गया तो। अभी मैं नमाज पढ़ लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलते हैं। अम्मी ने बनाया है आज क्या मटर पुलाव, मैं बस वही खा रही थी, उसके बाद ऊपर जाना है शायद देखने, भाभी कह रही थी ऊपर आना फ्लैट का कुछ पूछना है उन्हें क्या क्या करना है। और अम्मी यहाँ पे देखो पढ़ रही है। अम्मी आप तो खाना खा लो। मैं खा चुकी थी। दर्द कैसे है? अभी आराम है, कल से। काफी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करे, बहुत सारे ऑयल बताए हैं, बहुत सारे लोगों ने अम्मी वो ऑर्थो ऑयल बताया है और जड़ी बूटियां बताई है, कुछ तेल बनाने को बताया है, एलोवेरा खाने को बताया, बहुत सारी चीजें। आप सबका दिल से थैंक यू, हम सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं। दिलवा दिया हमारे, कुछ लोग कहते हैं होता है मतलब बेचान चीज है, अब कुछ लोग कहते हैं उनका नक्शा बना है वो सही होता है, मतलब है कि नमाज एक जगह रखा जाता है, लेकिन कभी किसी ने हटा दिया, कभी सामने हो जाता है, कभी गलती से सामने पढ़ लेंगे तो नमाज खराब हो जाएगी। लोग बताओ आप लोग रखते हो कि नहीं रखते? मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इसमें फोटो शूट कर लूँ। ये अम्मी के लिए भेजा था, देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिख गई दिख गई होगी ना, कौन से फ्लोर में पहुंची तुम? तो ऐसे देख रही हो, दिख ही रही है तुम्हें। अभी हम लोग जा रहे हैं 7th फ्लोर पे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरा लॉबी ये सब ग्रे हो जाएगा। इस बेडरूम में आई थिंक इसमें आल्सो यू शुड कीप वाइट बिकॉज यू विल डू फोटोग्राफी। रूम में किसी भी पॉइंट पे तो पूरा वो कोई कलर का नहीं है। हाँ वाइट ही सही, बस यही बचा है ये। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस क्योंकि ये बहुत डर डर के एक एक्सपेरिमेंट किया था मैंने छोटे वॉशरूम्स में, वैसे भी थोड़ा वो। फिक्स्चर्स किस कलर के आएंगे? ब्लैक और गोल्ड दोनों आ सकते हैं। फिक्स्चर्स गोल्ड ले लो ठीक है, और जैसे मिरर का जो एजिंग है वो ब्लैक ले लेंगे ठीक है। ये बैठने के लिए ऐसे बनवाया, ये जगह ऐसी थी तो बनवाया है? जगह थी तो बनवाया, ये सोच के कि इधर नीचे कबर्ड बना लेंगे कुछ रखने के लिए, अगर वेट्स वगैरह अंदर रखने हैं तो वो भी कर सकते हो। इधर तो स्लाइडिंग आएगा, मैं तो ऐसे कंफर्टेबली बैठ गई। जगह है अगर यहाँ पे ओपन रैक्स रहेंगे और कुछ रखा तो ठीक है, अगर पैक कर देंगे तो बैठने के लिए काम आएगा। अब इधर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे वो नहीं पता, आपको क्या सही लगता है? बालकनी तो तेरे पास तीन है, इसका ना बैठक अभी स्टार्ट नहीं करना, पहले ये लग जाने दो क्योंकि अपने को लकड़ी की बैठक बनानी है, वो ऊपर से भी बन जाएगी। अभी अपना ट्रेडमिल और क्रॉस ट्रेनर ऐसे में आएगा, ऐसे में और यहाँ पे ट्रेडमिल होगा ठीक, तो इसलिए उस तरफ मिरर यहाँ पे अगर हम रखते ना तो वो एक यहाँ एक अजीब सा लगे, विजुअली अच्छा नहीं लगता। यहाँ प्लेन वॉल, वी कैन एक्चुअली इवन डू वन थिंग कि मैं रेफरेंस अगर ढूंढ सकी तो मैं निकालूंगी कि इसको पूरा एक ब्राइट कलर में पेंट करा लो और उसके ऊपर वो जो राइट समथिंग वॉल्स पे होता है या जिम पे होता है। पर मुझे सिर्फ एक डर है कि दैट विल मेक द रूम लुक वेरी स्मॉल, वो तो क्योंकि वो डार्क आएगा उसमें ब्लैक भी आएगा और उसमें वो एंटायर वॉल अ ग्रीन ग्रास
कर सकते ना। और देख लेते हैं, फाइनल कर लो। मतलब व्हाइट बेसिन, व्हाइट ही मार कर सकते हैं। ब्लैक भी अच्छा लगेगा, ब्लैक भी अच्छा। लेट्स डू ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक आ गया, तेरे वाले वॉशरूम में ब्लैक आ गया। हाँ, ब्लैक ग्रेनाइट, ठीक है। इस वॉशरूम में हम व्हाइट रखेंगे क्योंकि उसके हमने ब्लैक बेसिन लिया है। अच्छा, परफेक्ट, अच्छा लग रहा है। आप मुझे एक साल पहले क्यों नहीं मिले? I am very stuck with this room. ये नीचे जाएगा, वो भूल गया। इस पे लाइट्स किधर आएंगी? व्हाइट लाइट या वॉर्म, ये कैसे? इस पे वो आएगा, सनमाइका आएगा, इधर वॉलपेपर आएगा। सनमाइका यही ना? व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं ना? पता नहीं, आप बताओ। पहले हम वॉलपेपर फाइनल कर लें, उस हिसाब से मैं आपको बता। एक बात बताओ, अगर मैं बाहर मुझे कहीं पे रेडीमेड टेबल मिलता है, अगर मैं वो लेके आती हूँ तो उस पे व्हाइट पॉलिश हो जाएगी? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर वो डार्क ब्राउन हुआ तो भी हो जाएगा, इसका पतन करना बेस्ट है। तो वो उधर एक दुकान है जिसके पास वो ओल्ड टाइप का फर्नीचर है। हाँ हाँ, वहाँ पे। हाँ, क्या क्या रखना है? मिक्सर, माइक्रोवेव, हीटिंग केटल। तो तीन अपने को स्विचेस चाहिए, ठीक है ना? हाँ, या यहाँ भी आ सकता है आपका मिक्सर और हीटिंग केटल आ सकता है। तीन प्लग्स चाहिए, एक हाई पावर, दो नॉर्मल पावर। ये हटेगा, ये नया आएगा। अभी ऐसा जो पाइप करके लगाते हैं तो लीकेज का बहुत से चांसेस रहता है, तो इसको हम निकाल देंगे और निकाल के फिर किचन का ग्रेनाइट के अलावा एक और टॉप का मटेरियल आता है ना, जो एब्जॉर्ब नहीं करता कुछ भी। नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कोरियन बोलते हैं। कोरियन, कोरियन बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमेशा वो रिसाई करवाना पड़ेगा, तेल बिल कुछ भी अगर गिर गया ना तो पीला पड़ जाता है। कोरियन पीला पड़ता है? कोरियन नहीं, फिर आप वो नहीं बता रहे जो मैं बोल रही हूँ। नहीं, मैं भूल रही हूँ। ठीक है, मैं सोचती हूँ। ये भी चेंज होगा ना भाभी? तू डिसाइड कर, तुझे ट्रॉलीज भी बदलनी है या सिर्फ बाहर का लकड़ी बदलना है? बाहर का लकड़ी, अंदर से ही है, नॉन पैक। सही है, ये पैक हो जाएगा। इसमें स्लाइडिंग विंडो आएगा। अच्छा, सिर्फ नेट भी लगा सकती है, है ना? फिर वो हवा आएगी तो फिर गैस नहीं चलता। इधर क्या करना है? एक कुछ शेल्फ टाइप बना ले, क्या फुल लेंथ कबर्ड बनवा, कबर्ड, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो रखनी। हाँ, बड़ा बर्तन कोई हो वो यहाँ डंप, हजार चीजें आपकी, एक्स्ट्रा राशन यहाँ डंप करना है, बैग वगैरह। हाँ, जो बहुत सी चीजें होती है। वॉशिंग मशीन, हाँ अभी तो ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन कभी आया तो अगर दो वॉशिंग मशीन डालेगी तो फिर ये जगह खाली रखना। उसके ऊपर वॉशिंग मशीन के ऊपर स्टोरेज तैयार कर देंगे। शेल्फ सभी आएंगे या अभी नहीं आएंगे? तो बता, जरूरत तो पड़ती है, फिर बाद में नहीं बनेगा। आई वुड सजेस्ट यहाँ वाले एक बार मत बनवाओ। हाँ, इस साइड नहीं कराते, इस साइड करा लेते हैं। नहीं, नहीं आएंगे। अच्छा, ये जहाँ तक तुझे सीमेंट दिख रहा है, कल आप भैया को ले जाके ग्रेनाइट को वही काम पास किया, वही ना? हाँ, इधर नहीं, इधर के लिए मैं अभी बोल नहीं रही। चिमनी अगर आप लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपका वो है, यहाँ आपने चिमनी लगाया तो उसका पाइप पूरा यहाँ से बाहर जाएगा, नहीं तो चिमनी का कोई फायदा नहीं। आप बताओ, फर्क पड़ता है चिमनी से? डिपेंड ऑन कितना हैवी कुकिंग करने वाली हो। तड़का वड़का होने वाला है तो लगाओ, वरना मत। इतना तो नहीं है। इसका डोर बन गया, ओपेक ग्लास आएगा। अच्छा, नीचे थोड़ा इन दरवाजों से थोड़ा डिफरेंट है, और वो बाद में करेंगे रोल। हाँ, वो तो ऊपर से लगाना है, वो छह लगाने हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, यहाँ पे बेसिकली एक कॉफी मशीन वगैरह आएगा, तो मुझे यहाँ पे एक स्विच चाहिए। दो सोफा इधर आएंगे। हम लोग ऊपर से सारी चीजें डिसाइड करके आए हैं, अभी मम्मी बता रही है कोई नीचे मिलने आया है, तो मैं उनसे मिल के आती हूँ। कि काफी सारी डिस्कशन जो भाभी को डिसीजंस लेने थे, बेसिकली उन्हीं को पता है कि किस तरह के टाइल्स आएंगे, किस तरह का ये आएगा, वो उन्होंने अभी देखा है। सारी चीजें लेना आप देख ही लेंगे। और अम्मी बोलो, कोई आया था मिलने के? इतना प्यार मिलता आप सबका, दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। सब लोग मिलने आते हो, गिफ्ट लाते हो, इतना अजीब लगता है। और लो भी तो लगता है कि अल्लाह ले लिया, नहीं लो तो लगता है कि कोई वापस लेके चला जाएगा। हाँ, कितने दिल से लाया होगा। तो हम लोग बहुत कश्मकश में हो जाते हैं कि क्या करें। तो अभी वो मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आई थी। इनका यूट्यूब चैनल भी है, सिंथियास किचन। बहुत अच्छा, इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए मैं बहुत दिनों से सुन रही थी, बहुत दिनों से देख रही थी, लेकिन काफी सारे मैसेजेस कर रहे हैं लोग, तो मैंने कहा आपको ये क्लियर करना चाहिए। अरे तो बताओ, सुनील शाह कौन है? वो तो फेक लिख दिया, ऐसा कुछ है भी नहीं। तुमने देखा? हाँ, बहुत बार, दो साल पहले से। क्या देखा था तुमने? कि वो शालूपी के फ्रेंड है। फ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है। रेहान सुनील शाह कौन है?
पता नहीं जो भी है नहीं पता हमें, और पता नहीं किसने भी ऐसे कर दिया हमें नहीं पता, लेकिन अपना कोई नहीं। ये सुनील शाह कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ, सब गलत जो भी है। अम्मी पता है क्या होता है कि नेट पे ना सारे ब्लॉगर्स होते हैं या एक्टर से फैमिली, अरे लड़ो तुम बात, अरे बारे में और जानना चाहते हैं तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि सब कहाँ पैदा हुई, कितने साल की है, क्या करती है, कैसे आई, क्या कमाती, कितना कमाती है, उसमें भी लिखा है करोड़ों कमाती है। सबा इब्राहिम का बॉयफ्रेंड तो वहाँ पे लिखा है सुनील शाह। और सुनील शाह कोई डिजाइनर है क्या? अम्मी जहाँ वो बेचारा वो अच्छा रहा, उसका नाम आए रखा हमारा कोई मतलब नहीं। ये तो खराब हो रहा है यार, ये लैपटॉप तो खराब हो रहा है। फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस, पेरिस है मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन। क्या है? दुबई। दुबई अभी गई वही नहीं हूँ। पहली सिटी जो कभी घूमी थी और देखी थी वो थी जयपुर। और तमन्ना अगर इंडिया से बाहर जाने की पूछो तो है दुबई, या फिर जब हज पे जाएंगे इंशाल्लाह। बॉयफ्रेंड सुनील शाह, सुनील शाह पता नहीं कोई है नहीं, तो मैं आपको बता दूं ये न्यूज काल्पनिक है, ये बंदा ही काल्पनिक है, इससे रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इस नाम का तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, अगर दोस्त भी होते तो चलो इंसान को शक हो जाता है। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करते, उम्मीद करते कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे आगे बढ़ाइए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम मिलेंगे रिजा की बर्थडे की प्रिपरेशन वाले ब्लॉग पे। अभी के लिए फिर इसके बाद सबका बर्थडे, हमारा बर्थडे आएगा। क्या दोगी? अम्मी का बर्थडे गिफ्ट तो हो गया, देखो मैंने ये नोज रिंग पहन ली है और मुझे काफी अच्छी लग रही है। थैंक यू अम्मी। अम्मी ये देखो फिर से पुरानी वाली पहन ली, सबने आपको बोला वही अच्छी लग रही है। अब इसके बर्थडे में पहन लूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। और रिजा को मुझे अभी गिफ्ट लेने जाना है कुछ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी आने वाले व्लॉग में आपको दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। और अम्मी को सबा के साथ जुड़े रहना, और अम्मी को इतनी सारी दुआएं देने के लिए थैंक यू। इसलिए मेरा आज पैर का दर्द ठीक हो गया आप सबकी दुआ से, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।